वन आई होप एवरी वन इज डूइंग गुड सो वी आर बैक हेयर अगेन विद योर बायोलॉजी चैप्टर सिक्स दैट इज एनेटमी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स ओके अभी तक हमने खत्म कर लिया है तुम्हारी मोफोलॉजी जिसमें हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे राइट अब आप आगे हैं टू योर इंटरनल स्ट्रक्चर्स ठीक है आई होप सब पढ़ के आए होंगे दे हैव सम आइडिया अबाउट इट कि इट विल बी ईजी फॉर यू टू सोल्व दीज एम सी क्यूज राइट तो अगर हम जब बात करते हैं अबाउट दिस द फ्लारिंग प्लांट्स और उसकी एनाटमी की बात करते हैं तो एनाटमी है क्या जब भी हम कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं क्या बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज़म्स की फाइन तो अब उनके हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे किसके फ्लारिंग प्लांट्स के ठीक है अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है टिश्यू का है ना एक हिस्टोलॉजी लेवल पे जाएंगे मतलब टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और हिस्टोलॉजी देखेंगे कि कौन सी लेयर होती है एपिडर्मिस लेयर होती है एंडोडर्मिस होती है क्या लेयर्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे समझ गए फाइन तो ये है तुम्हारी एनाटमी में देखो एनाटमी में ना हम मोस्टली जो होगा चार टॉपिक्स जो तुम्हारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो हम पढ़ने वाले हैं वैसे वो होगा तुम्हारा इसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे ठीक है अब टिश्यू क्या होता है टिश्यू प्लांट टिश्यू क्या होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं उसके फर्दर क्या टाइप्स होते हैं विल डिस्कस अबाउट दैट ठीक है we'll that, फिर हम पढ़ेंगे इसमें मोनोकॉट एंड डायकॉट प्लांट्स के बारे में ठीक है मोनोकॉट और डायका कॉट प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे अब प्लांट्स में ये भी आ जाएगा मोनोकॉट स्टेम लीफ एंड रूट ठीक है ये तीन चीजें हम कवर करेंगे ओके नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी ग्रोथ जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट की वो भी हम पढ़ेंगे ठीक है तो ये चीजें हैं जिनके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर तो ये टॉपिक हैं, ये चार टॉपिक हैं जिनके इर्द गिर्द ही तुम्हारे क्वेश्चंस घूमते रहेंगे मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट्स कैसे होते हैं मोनोकॉट स्टेम कैसा होता है डाइकॉट स्टेम कैसा होता है उसके उसमें कितनी लेयर्स होती हैं कितनी नहीं होती हैं गोज़ फॉर योर लीव गोज़ फॉर योर रूट्स टिश्यू में लेयर्स पड़ेंगे प्लांट टिश्यू का क्या टाइप होता है उसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया गया है विल टॉक अबाउट दैट ओके आई होप दिस मच इज़ क्लियर देन विल टॉक अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो की सेकेंडरी ग्रोथ और प्लांट्स से क्या क्या इफेक्ट आउट होता है उसके क्या पार्ट्स हैं ओके आई होप दिस मच इज़ क्लियर पहला टॉपिक तुम्हारा जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू है ना तो बेसिकली जब हम बात करते हैं एक टिश्यू की बात करेंगे है ना अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो पहले ये टिश्यू है क्या जस्ट सेकेंड ये टिश्यू है क्या है ना टिश्यू क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स ठीक है जिनका कॉमन ओरिजिन होता है और परफॉर्म क्या करते हैं इनका क्या होता है कॉमन ओरिजिन होता है और परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शंस ठीक है जो टिश्यू होगा ओरिजिन भी सेम होता है और फंक्शन भी सेम होता है फाइन अब सबसे पहले जब हम प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ बाकी तो आप डिटेल में जब चलेंगे क्वेश्चंस के साथ हम एम डिस्कस कर रहे होंगे सो विल सी ओवर देयर कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर कर सकते हैं ठीक है अब जब क्लासिफिकेशन हुई है प्लांट इश्यू की वो दो टाइप का होता है एक मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है और एक परमानेंट टिश्यू होता है ओके मेरिस्टमैटिक भी फर्दर तीन में डिवाइड किया गया एक अपाइकल लेटरल एंड इंटर कैलोरी मेरिस्टियम में जबकि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो दो टाइप का होता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट के ये टाइप्स हैं उसको फर्दर तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो जो मेरिस्टमैटिक है वो फर्दर डिवाइड हुआ है तीन में पाइकल होता है लेटरल होता है इंटरकैलरी होता है जबकि परमानेंट इश्यू डिवाइड नहीं होता है ये इसके फर्दर टाइप्स हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं सिंपल में आ जाते हैं तुम्हारे पेरनकाइमा कॉलनकाइमेन्स क्लेरन कायमा एरन कायमा भी होता है एक ओके दिस इज वन ऑफ द अनदर टाइप ओके नेक्स्ट कोज नेक्स्ट क्लोज स्क्लेरन काइमा जो स्क्लेरन है उसमें फाइबर्स होते हैं स्क्लेराइड होते हैं ओके okay? और जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है जो कॉम्प्लेक्स में आते हैं तुम्हारे जाइलम एंड फाइलम क्या आते हैं जाइलम एंड फाइलम ओके आई होप यू आर क्लियर अब जब हम जाइलम एंड फाइलम की बात करते हैं तो जाइलम में ये चार पार्ट्स होते हैं ट्रिकीड्स होता है वेसल्स होती हैं है जायलम एंड जाइलम फाइबर्स इसमें भी पेरन काइमा और फाइबर्स होते हैं पर इसमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स अलग होते हैं आपने जाइलम आइलम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ठीक so, है सो ये पार्ट्स हैं ये आते हैं तुम्हारे किसके अंदर इन योर कॉम्प्लेक्स परमानेंट इशू सिंपल में तीन हैं और स्क्लेरन कायमा के भी फर्दर दो टाइप्स हैं, ठीक है अब इन्हीं के रिलेटेड फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन अब तुम्हारे जो क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसी के इर्द गिर्द होंगे द एम सी क्यूज विच यू आर गोइंग टू डिस्कस ओके अबाउट द दिट्रल कॉलन कॉलनकाइमा स्क्लेरेन अब मैं इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट भी बता देती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अगर आएंगे तो एक मेरिस्टमेटिक टिश्यू पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं ठीक है फिर आपको जो क्वेश्चन आता है अबाउट जाइलम एंड फाइलम ये तो सबको पता है इंपॉर्टेंट है ठीक है पेरनकाइमा इंपॉर्टेंट है ओके इसमें मेरेस्मेटिक टिश्यू ये तीन टाइप हैं इट्स वेरी इजी पेरेंट काइमा है वो इंपॉर्टेंट है और जयलम एंड फाइलम जो कम्प्लेक्स है सिंपल में भी सिर्फ पेरेंट काइमा पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन उनको डिस्कस करते हैं एंड लेट्स गेट अ मोर क्लियर पिक्चर अबाउट द क्वेश्चन ओके लेट्स स्टार्ट ओके लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टिश्यूज़ इन अ प्लांट अब टिश्यूज जो होते हैं प्लांट में अब टिश्यू के बारे में बोला है आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है पहला कह रहे हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट हैव अ कॉमन ओरिजन एंड वर्क टूगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू अभी हमने पढ़ा कि सेम फंक्शन होता है है ना यही बोला एक ऑरिजन होता है और परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन एक स्पेसिफिक फंक्शन को उसको क्या बोला जाता है टिश्यू दिस इज ट्रू हमें इनमें से इनकरेक्ट देखना है दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है अ प्लांट टिश्यू वेरीज फ्रॉम दैट ऑफ एन एनिमल बिकॉज दे वेरी इन द फंक्शन एंड कैरेक्टर्स उनके जो फंक्शन होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं दिस इज ऑल्सो ट्रू देर टू टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं मेरिस्टमैटिक एंड परमानेंट टिश्यू अभी पढ़ा मैंने करेक्ट लास्ट इज सेकेंडरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू कंप्राइजेस ऑफ कोलन स्क्लेरनकाइमा पेरन पेरनकाइमा एंड एपिडर्मिस। सो दिस वन इज रोंग ठीक है ओनली का जो सेकेंड्री मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं वो कंजिस्ट करते हैं ऑफ कोलन कोलनकाइमा एंड वो हमने क्या पढ़ा था जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं परमानेंट टिश्यू जो है है ना वो उसमें भी जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कंजिस्ट करता है ऑफ द स्क्लेरिन कायमा कोलन कायमा और पेरन कायमा एंड एपिडर्मिस। सो दिस वन इज रोंग ओके सो डी वन इज द रोंग सिंपल परमानेंट टिश्यूज में ये चार टाइप्स होते हैं चलें आगे नेक्स्ट रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ ए मेच्योरेशन बी मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी सी रूट कैप और डी इलोंगेशन ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है पहले इन योर फर्स्ट यूनिट जो हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गैनिज्म पढ़ रहे थे हमने उस पर पढ़ा है इवन इन योर मोफोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे बेसिकली जब हमने रूट्स के बारे में दैट इज़ योर रूट सिस्टम पढ़ा इन योर सेकेंड यूनिट में फर्स्ट चैप्टर फाइव जो मोफोलॉजी थी उसमें हमने पढ़ा है तो रूट यर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ कहाँ से डेवलप करता है ए मेच्योरेशन ठीक है जो रूट हेयर होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं सर्टेन एपिडर्मल सेल्स होते हैं क्या होते हैं एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिस जहाँ से ये फाइन और डेलिकेट रूट हेयर बनते हैं ठीक है एंड ये हेल्प क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ये पानी की ऑब्जॉर्प्शन में और कुछ मिनरल्स की ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं एवरी वन नोज डैन सो ए इज योर करेक्ट आंसर चले नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ की जब बात हो रही है सो यू हैव टू टेल कि इनमें से क्या जो स्टेटमेंट है वो गलत है ठीक है बिफोर स्टार्टिंग हमें हमेशा पता होना चाहिए कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू है क्या है ना उसके बारे में तो जान लें पहले कि है क्या अब जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है ना उसकी क्या होती है पहले एक नॉर्मल मेरिस्टमैटिक टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो उसका क्या होता है इसकी क्या होती है डिवीजन कैपेसिटी होती है क्या होती है डिवीजन कैपेसिटी होती है और इसमें जो रूट टिप होती है ना और शूट टिप होती है मतलब लीव्स हो लीफ uh, हो स्टेम हो या रूट हो इन सब की जो टिप्स हैं वो क्या होती हैं अपाइकल पेरिस्टियम होता है मतलब उसमें क्या होता है उसमें अपाइकल मेरिस्टियम टिश्यूज़ होते हैं ठीक है अब मैं मैंने ये भी बताया था कि जो तुम्हारा मेरिस्टमैटिक टिश्यू है वो कितने टाइप का है कितने टाइप का पड़ा है हमने तीन टाइप का एक होता है अपाइकल पेरिस्टियम अपाइकल मेरिस्ट मेरिस्टियम इंटर मेरिस्टियम और एक लेटरल मेरिस्टियम होता है ठीक है ये जो अपाइकल और इंटर है ना ये बनाते हैं प्राइमरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू ठीक है और जो लेटरल है ये बनाता है तुम्हारा सेकेंडरी मेरिस्टियम ठीक है ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए समझ गए तो अपाइकल और ये तीन टाइप का जब होता है मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो अपाइकल और इंटर है वो बनाता है तुम्हारा प्राइमरी मेरिस्टियम और जो लेटरल है वो तुम्हारा, तुम्हारा बनाता है सेकेंडरी मेरिस्टियम और ये क्या होते हैं मैंने क्या बोला जो ये जो तुम्हारा एपाइकल होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है तुम्हारी टिप ऑफ द रूट्स पे ठीक है या शूट सिस्टम पे ओके और जो तुम्हारी इंटर कैलरी होती है ये क्या होगा ये तुम्हारा मोस्टली मेच्योर टिश्यूज़ के साथ प्रेजेंट होता है ठीक है जैसे ग्रासेस में ठीक है इन दोनों को प्राइमरी कहा जाता है और ये अर्ली लाइफ ऑफ द प्लांट में पाए जाते हैं जबकि ये जो लेटरल होता है ये मोस्टली क्या होगा आपको साइड्स पे दिखेंगे टिश्यू कहाँ दिखते हैं साइड्स पे ओके okay. फाइन तो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए लेट्स सी द ऑप्शन आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी ठीक है आपका पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो प्राइमरी मेरिस्टम है राइजेज एट द अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट एंड कंप्राइजेज ऑफ अपाइकल एंड इंटर कैलरी मेरिस्टम हमने अभी पढ़ा कि ये जो दोनों होते हैं अपाइकल और इंटर कैलरी ये प्राइमरी मेरिस्टिम के अंडर आते हैं और ये अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट होता है सो दिस इज़ ट्रू ओके नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेरिस्टियम है राइजेज एट द लेटेस्ट एज ऑफ प्लांट एंड कंप्राइजेस मेरिस्टियम दिस इज ऑल्सो ट्रू अपाइकलिस्टियम इज प्रेजेंट एट दिप्स ऑफ द रूट एंड शूट एंड ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीज ऑफ द लेंथ ओके सो दिस इज ऑल्सो ट्रू इंटर कैरियर मे हेल्प इन द इंक्रीज ऑफ द गर्थ इन द प्लांट्स ठीक है जो गर्थ होता है जो मेजरमेंट इंक्रीज होती है हो, वो कौन इंक्रीज करता है दैट इज

क्लोरन काइमा इज नोन टू डेवलप इन द ए स्पोर कैप्सूल ऑफ अ मॉस बी माइसीलियम ऑफ अ ग्रीन मोल्ड सचस एस्पर्जिलिस सी साइटोप्लाजम ऑफ कॉलरा डी पोलन ट्यूब्स ऑफ पाइनस ठीक है आपको चार बताएं क्लोरन काइमा जो है वो किस में ग्रो करता है यू हैव टू टेल मी दैट ठीक है ओके अब हम बात कर रहे हैं ऑफ द क्लोरन ठीक है ये पेरेंट काइमा का ही पार्ट है ठीक है अगर जब हम पढ़ते हैं अबाउट द पेरेंट काइमा आपको ये पता होना चाहिए पेरेंट काइमा क्या है पेरेंट काइमा जो है वो तुम्हारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है क्या है सिंपल परमानेंट टिश्यू फा ठीक है ground ये ग्राउंड ये मेजर पार्ट प्लेस प्ले करते हैं इन द ग्राउंड टिश्यू ये मोस्टली क्या होते हैं नॉन वैस्कुलर होते हैं ठीक है थीके? अब ये जो है बेसिकली अदर जो पर्मांट टिश्यूज होते हैं और इनके बेसिक थ्री टाइप्स होते हैं हमने ये पढ़े हैं ना हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के एक पेरेंट कायमा होता है एक, एक कॉलन कायमा और एक स्क्रन कायमा पड़ा था है ना अब हम जब कोलनकाइमा की सॉरी पेरेंट कायमा की बात कर रहे हैं ये लिविंग परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं क्या होते हैं ये लिविंग परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं और इनकी एबिलिटी होती है कि डिवाइड कर सकते हैं ठीक है इनकी एबिलिटी क्या होती है कि ये डिवाइड कर सकते हैं एंड हेल्प इन रीजनरेशन एंड हीलिंग ऑफ द वूड्स ठीक है अब जो बेसिकली बात करें तो फर्दर जो क्लोरन है वो टाइप ऑफ क्या है पेरन सेल है ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं नाम तुम्हें पता होने चाहिए पेरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ तो पेरन काइमा सेल्स एक होता है क्लोरन काइमा एक होता है एरन कायमा प्रोजन कायमा ठीक है तो ये भी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें से क्लोरन कायमा और एरन कायमा इंपॉर्टेंट है ठीक है इनके बारे में यू शुड नो अबाउट इट ठीक है जो तुम्हारा क्लोरन कायमा होता है ना ये क्लोरन कायमा ठीक है ये सेल्स जो होते हैं इनके पास क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है एंड uh, इसमें क्या होते हैं ये मोस्टली फाइन uh, तो अब हमें देखना है कि काइमा जो क्लोरोप्लास्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है ठीक है ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ जो पेरनकाइमल सेल है अब ये कहाँ पे देखा जाएगा अब जब हम बात करते हैं अबाउट द साइटोप्लाजम ऑफ कॉलरा की है ना कॉलरा क्या है एक यूनिसेलुलर एल्गे क्या है इन यूनिसेलुलर एल्गे ठीक है तो इसके पास कोई टिश्यू ही नहीं होता ठीक है तो इसमें तो क्लोरन कायमा हो ही नहीं सकता तो ये तो गलत आ गया ओके सारे फनजाए इंक्लूडिंग द एस्पेरिजलिस जो होता है ये क्या होते हैं हिटीरोट्रॉफिक होते हैं क्या होते हैं हिटीरो होते हैं अपना खाना दूसरों से लेते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कोर्स फॉर पोलन ट्यूब्स ऑफ पाइनस अब जब हम पोलन ट्यूब्स ऑफ पाइनस की बात कर रहे हैं ठीक है ये बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइम ठीक है तो इसमें तो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस ही नहीं आता तो पीछे क्या बचता है स्पोर कैप्सूल ऑफ मॉस ठीक है जो बेस होता है ना स्पोर कैप्सूल का उसको क्या बोलते हैं एपोफिसिस क्या जाता है ठीक है और ये ग्रीन होता है कलर में और ये फोटोसिंथेसिस कॉज करता है ठीक है तो क्लोरनकाइमा क्या हो गया जो सेल्स जो स्पेशलाइज पेरनकाइमल सेल्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है और ये कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस वो किस में देखा जाता है स्पोर कैप्सूल ऑफ मॉस में सो ए इज योर करेक्ट आंसर ठीक है चले नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पेरनकाइमा अब पेरनकाइमा की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमें बताना है कि कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है ठीक है द पैकिंग टिश्यूज इन प्लांट्स दैट स्टोर्स फूड न्यूट्रिय एंड वाटर आर कॉल्ड पेरनकाइमा पेरनकाइमा विद क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरनकाइमा एंड विद एयर इट इज कॉल्ड एरनकाइमा इंटरसैलोर गैप्स इन पेरनकाइमा लार्च एरनकाइमा इज मोस्टली प्रेजेंट इन इक्वेटिक प्लांट्स एंड क्लोरनकाइमा इज प्रेजेंट इन लीवस तो हमें बताना है कि पेरेंट क्या है कुछ फीचर्स पेरेंट के हमें पता होना चाहिए ठीक है जो पेरेंट है, वो क्या है, एक है. क्या है Just a second. जो पेरेंट है फर्स्टली वो क्या है लिविंग सेल है क्या है लिविंग सेल दूसरी बात ये है कि इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लास्ट होता है क्या होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है फाइन इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं आइसोडायमेट्रिक होते हैं और ये ओवल हो सकते हैं इलांगेटेड समथिंग लाइक दैट ओके इसमें बहुत कम स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं इनके बीच में Fine. ये हो गया एंड uh, और तुम्हारे लिए इसमें क्या होगा फिर हम पढ़ लेंगे टाइप्स जिसमें मैंने तुम्हें कहा कि दो ही टाइप्स तुम्हें पता होने चाहिए एक होता है क्लोरिन काइमा और एक होता है एरिन काइमा। क्लोरन काइमा का तो पता चल गया तुम्हें है ना बस एक एक लाइन तुम्हें पता होनी चाहिए क्लोरन क्या होता है क्लोरोफिल होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी एरनकाइमा जो होता है वो प्रेजेंट होता है एयर में और ये मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में देखा जाता है कहा देखा जाता है इक्वेटिक प्लांट्स में और क्लोरन कायमा कहा देखा जाता है लीव्स में दैट्स इट दिस इज वॉट यू नीड टू नो ओके सो लेट्स सी द पैकिंग टिश्यू इन प्लांट दैट स्टोर फ्रू फूड न्यूट्रंस एंड वॉटर आर कॉल्ड एज पेरन दिस इज ट्रू ठीक है पेरनकाइमा सेल्स करते हैं जो खाना पानी और न्यूट्रिएंट्स बेसिकली स्टोर करते हैं वो हो गया तुम्हारा पेरनकाइमा जो जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको क्लोरिन कहते हैं और जिसमें एयर होती है उसको क्या कहते हैं एरनकाइमा दिस इज ऑल्सो ट्रू एनकाइमा इज मोस्टली प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स एंड क्लोरनकाइमा इज प्रेजेंट इन लीवस दिस इज ऑल्सो ट्रू फाइन सेलुलर जो गैप्स होती हैं पेरेंट में वो लार्ज होती हैं दिस इज रॉन्ग उसमें बहुत कम होती हैं या बहुत ज्यादा पैक्ड होता है ठीक है तो इसमें बहुत कम स्पेसिस होती हैं ठीक है सो सी इज द इनकरेक्ट वन फाइन समझ गए चले नेक्स्ट रीजनरेशन ऑफ द डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग द ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू ए इंटर मेरिस्टियम बी लिटल मेरिस्टियम सी सेकेंडरी मेरिस्टियम और डी अपाइकल मेरिस्टियम ठीक है तो उन्होंने कहा जब भी एक ग्रास ग्रो हो जाती है वापस जब एक हबीवोरस एनिमल उसकी ग्रेजिंग करता है तो वो रीजनरेशन किसकी वजह से होते कौन सा मेरिस्टमेटिक टिश्यू है जिसमें रीजनरेशन प्रॉपर्टी है इंटर की लेटरल की सेकेंडरी की या अपाइकल की सो योर करेक्ट आंसर इज इंटर कैलरी मेरिस्टियम ठीक है ये कहाँ मिलते हैं ये मिलते हैं ग्रासेस में ठीक है और ये क्या करते हैं ये रीजनरेशन में हेल्प करते हैं जो पार्ट रिमूव होता है ड्यूरिंग द ग्रेजिंग सो इंटर कैलरी मेरिस्टियम जो तुम्हारा प्राइमरी मेरिस्टियम है इसमें रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है जो वापस ग्रो हो जाती है तुम्हारी ग्रास सो ए इज योर करेक्ट आंसर चले नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट अबाउट स्क्लेरन कायमा अब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के पड़े थे कॉलन स्क्लेरन एंड पेरन कायमा तो उसमें तुम्हारा आ गया स्क्लेरन का तुम्हें कुछ चीजें पता होनी चाहिए ठीक है लेट्स मूव ऑन टू दैट अब उन्होंने कहा कि आपको बताना है कि स्कलैरन कायमा का क्या क्या चीजें हैं नाम देखो जो स्क्लेरन कायमा होता है ना वो क्या होता है वो लॉन्ग होता है और इसके नैरो सेल्स होते हैं ठीक है और इसकी क्या होती है नैरो सेल्स होते, होते हैं पर थिक सेल वॉल होती है फाइन ये यूजली जो होते हैं ना स्क्लेरन काइमा ये डेड होता है ये डेड सेल्स होते हैं विदाउट प्रोटोप्लास्ट इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता और इसमें डेड सेल्स होते हैं मैंने अभी पेरन काइमल सेल्स कहा था वो लिविंग सेल्स है ठीक है जो तुम्हारे स्कलेर काइमा टिश्यूज होते हैं ना ये दो टाइप के होते हैं ठीक है दो तरह के फाइब होते हैं एक होता है इसमें टिश्यू होता है एक होता है फाइबर्स और एक होता है स्क्लेरेट्स ओके जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं थिक वॉल्ड होते हैं ठीक है थिक वॉल्ड होते हैं इलोंगेटेड होते हैं और पॉइंटेड सेल्स होंगे फाइन जबकि जो स्क्लेरिड्स होते हैं ये क्या होते हैं ओवल शेप्ड या सिलेंड्रिकल होते हैं फाइन और ये भी जो होंगे हाईली थिक एंड डेड सेल्स होते हैं ये भी डेड सेल्स ही होते हैं और बहुत नैरो नैरोन होता है इनका ठीक है और ये कहाँ पाए जाते हैं जो स्क्लेरिड्स होते हैं स्क्लेरिड्स तुम्हारे मोस्टली पाए जाते हैं इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स पल फ्रूट लाइक गावा में पाया जाता है देन पेयर हो गया ओके उसमें देखा जाता है और इसका मेन फंक्शन के है काइमा का इसका काम है ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है टू ऑर्गेन्स दैट्स इट फाइन लेट्स सी कि इसमें से कौन सा करेक्ट है दीज आर द लिविंग टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिफनेस इन प्लांट्स जो स्क्लेरन है वो क्या है एक लिविंग टिश्यू है द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरन माइटस टिश्यू दिस इज ट्रू दे आर टू काइंड्स नेमली स्क्लेरिट्स एंड फाइबर्स दो टाइप के होते हैं अभी हमने पढ़ा एक जो फाइबर होता है वो लॉन्ग एंड नैरो होता है जबकि स्क्लेरिट्स जो होते हैं वो ओवल शेप्ड होते हैं ठीक है सिंपल पिट्स आर प्रेजेंट इंड थिकड सेल्स वॉल्स ऑफ स्क्लेर काइमा इसमें क्या प्रेजेंट होती है पिट्स प्रेजेंट होती हैं ठीक है थीके? इन्होंने बोला दिस इज अ लिविंग टिश्यू पहला आंसर ही गलत है अभी हमने के बारे में पढ़ा दी कंजिस्ट ऑफ द डेड सेल्स क्या होते हैं डेड सेल्स होते हैं दे यूजली डेड विदाउट द प्रोटोप्लास्ट ये हमने पढ़ा और इसमें पिट्स होती हैं ठीक है सो ए इज योर इनकरेक्ट वन ओके सो कौन सा हुआ इनमें से इनकरेक्ट ए

तो कम्प्लेक्स टिश्यू है और हमने दो टाइप के होते हैं जाइलम और फाइलम की बात की थी ठीक है अब हम बात करें जब जाइलम और फाइलम की तो हमने इसमें क्या पढ़ा था ये तुम्हारा जाइलम की डायग्राम है ठीक है इसमें क्या होता है वन वे फ्लो होता है फाइन इसमें कोई एंड वॉल्स नहीं होती हैं कोई एंड वॉल नहीं होगी ओके okay. और मोस्टली इसमें क्या होता है वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं तुम्हारे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और सब सब जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है और किस डायरेक्शन में जाता है अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट टू स्टेम की तरफ जाता है ओके okay? इतना पता चल गया जाइलम के बारे में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसमें चार तरह के एलिमेंट्स होते हैं एक होते हैं ट्रैकेट्स वेसल्स जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेनकाइमा फाइन और जो तुम्हारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ठीक है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हो गया तुम्हारा जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो लैक करते हैं वेसल्स ठीक है वो वेसल्स लैक करते हैं इन देयर जाइलम जो जाइलम में वो वेसल्स लैक करेंगे ठीक है अब हम जब ट्रैकिड्स की बात करते हैं तो ट्रैकेट्स क्या है तुम्हारा ट्रैकेट्स जो होती हैं इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ठीक है थीके? इनके टेपरिंग एंड होता है और जो ट्रैकेट्स होते हैं वो मोस्टली डेड होते हैं एंड विदाउट प्रोटोप्लाजम होते हैं नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट द वेसल्स जो तुम्हारी वेसल्स होती हैं वो लॉन्ग स्ट्रे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ओके एंड ये भी डेड होती हैं फाइन जो प्रेजेंस होती है वेसल की वेसल्स जो होती हैं वो मोस्टली एंजियोस्पर्म में होती हैं जिम्नोस्पर्म में जो वेसल्स होती हैं ना वो एबसेंट होती हैं ओके okay? फिर तुम्हारे जाइलम फाइबर्स आ गए जाइलम पेरनकाइमा आ गया उनके बारे में पढ़ेंगे अगर हम बात करें अबाउट द जाइलम तो वो क्या ट्रांसलोकेट करता है वो वाटर मिनरल सॉल्ट्स इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स ये सब करता है सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर एज योर करेक्ट आंसर ओके रूट से स्टेम की तरफ ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है दैट इज योर जाइलम वाइफ नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड

इसमें क्या होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जो हा, जिसकी हाईली थिक एंड वॉल्स होती हैं क्या होती हैं हाईली थिक एंड वॉल्स होती हैं ओके okay? और ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ठीक है जो जिम्नोस्पर्म होता है ना तुम्हारा वो ना लैक करता है व्हाट जाइलम फाइबर्स जिम्नोस्पर्म में जाइलम फाइबर्स नहीं होते हैं. और इसलिए इनको वुड कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें जाइलम फाइबर्स नहीं होते हैं मैंने कहा कि जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो उनकी थिक एंड वॉल्स होती हैं और वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं पर जिम्नोस्पर्म में ये होता ही नहीं soft है इसलिए उसको सॉफ्ट वुड कहते हैं फाइन सो सी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट जाइलम अब जाइलम के बारे में पढ़ा होगा सो यू शुड नो द आंसर ठीक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल एंड कम्प्राइज ऑफ जाइलम एंड फाइलम ठीक है दिस इज ट्रू दे एट टूगेदर टर्म्ड वैस्कुलर बंडल्स ट्रू जाइलम कंटेन्स मोस्टली ऑफ डेड सेल्स ये बात होगी ये हेल्पिंग कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू स्टेम्स एंड लीव्स दिस इज ऑल्सो ट्रू ट्रेकिड्स आर द लिविंग सेल्स डेट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली हमने ट्रेकिड्स के बारे में पढ़ा है कि ट्रेकिड्स क्या होते हैं ये डेड इलोंगेटेड ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है इन सबके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए प्लीज जस्ट सी योर पिक्चर तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा ठीक है ये थिक होते हैं विद टेपरिंग एंड फाइन तो इनका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टिंग द एलिमेंट्स पर यह लिविंग नहीं होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं सो दिस इज द इन करेक्ट वन ओके चले नेक्स्ट आई होप यू आर विद मी आपको समझ आ रहा है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट सी कि uh, एक लेक्चर भी पढ़ाना अलग बात है एंड टू टेक टेक आउट द क्वेश्चन एज वेल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं हर एक क्वेश्चन के साथ आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में नॉलेज दे सकूँ आई एम नॉट मूविंग विदाउट मेकिंग नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड मेरे पास जितना उसके बारे में इंफॉर्मेशन है आई कैन लेट यू नो अबाउट इट बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा देन ओनली इट विल बी ईजी फॉर यू अदरवाइज दिस इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मैं बोल क्या रही हूँ अगर आप नहीं पढ़ के आएंगे सो so ये आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा ओके लेट्स मूव ऑन द मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जयलेम एंड जिम्नोस्पर्म्स आर मैंने क्या कहा था जो मेन वाटर कंडक्टिंग जो एलिमेंट है ऑफ जायलम इन जिम्नोस्पर्म्स आर ए ट्रिकीट्स बी फाइबर्स सी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू और डी वेसल्स अभी अभी पढ़ा वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट जो है जाइलम में वो क्या है ए ट्रिकीट्स हैं अभी पढ़ा हमने न कि ये मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है और पर यह डेड होता है ओके नेक्स्ट विच अमोंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टमाटा अच्छा अब जब हम टमाटा के बारे में पढ़ते हैं सब ने पढ़ा हुआ है, है न सबने पढ़ा है लेट्स सी उसका स्ट्रक्चर सबको पता होगा स्टोमैटा ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स दिस इज ट्रू द फैक्टर्स इफेक्टिंग स्टोमैटल मूवमेंट किसकी वजह से होता है आर लाइट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एवेलिटी ऑफ वाटर पोटेशियम लेवल एंड टेम्परेचर दिस इज ऑल्सो ट्रू सम प्लांट्स लाइक ग्रास हैव डंबल बेल्ट शेप्ड गार्ड सेल्स ऐसे मोस्टली ये बीन शेप्ड होते हैं जो टोमेटो होते हैं पर एक्सेप्शन है कि जो ग्रास में क्या होता है डंबल बेल्ट शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं सो दिस इज ऑल्सो ट्रू द सेल्स दैट आर जस्ट बिसाइड द गार्ड सेल्स दे आर कॉल्ड एस एपीडमल सेल्स क्या बोला गया है कि जो बिसाइड जो गार्ड सेल होते हैं उनको क्या बोला जाता है एपीडमल बोला जाता है इज इट ट्रू नो इट इज नॉट ट्रू उसके उसको क्या बोला जाता है सबसाइड्री सेल्स बोला जाता है क्या बोला जाता है सबसाइडरी सेल बोला जाता है अगर आपको पिक्चर पता होगी अबाउट द स्टोमेटा सब ने ये पढ़ा है बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है है ना तो क्या होता है इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर कहते हैं ठीक है थीके? फिर उसके बाद क्या आते हैं तुम्हारे ये गार्ड सेल्स आ गए ठीक है फिर उसके बाद एक सबसाइडरी गार्ड सेल्स को ही एक फ्लाट टाइप एक लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है दैट इज अ अबसाइडरी सेल्स ठीक है और उसके बाद आपको दिखेंगे एपिडर्मल सेल्स तो एपिडर्मल सेल्स सबसाइडरी सेल्स के बाद की लेयर होती है सो डी इज द रोंग वन फाइन नेक्स्ट फाइलम एंड जिम्नोस्पर्म लैक्स जो फाइलम में जो जिम्नोस्पर्म है वो क्या लैक करता है सीव ट्यूब्स ओनली कंपेनियन सेल्स ओनली एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स सो विच वन इज द करेक्ट वन सो थर्टीन का है फाइलन जो होते हैं जिम्नोसपम वो क्या लैक करते हैं वो लैक करते हैं सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स क्या लैक करते हैं सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स अब जब हम फाइलम की बात करते हैं ये भी हमें पता है कम्प्लेक्स पर्मांट इश्यू है इसका काम है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटीरियल को ठीक है टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट ठीक है जो फाइलम जो होता है angiosperm में और जिम्नोस्पर्म में ना तुम्हें पता होना चाहिए वो कैसा होता है फाइलम जो होता है एनजियोस्प में वो कम उसमें क्या होता है सीव ट्यूब भी होती है कंपेनियन सेल्स होते हैं फाइलम पेरकाइमा और फाइलम फाइबर्स चारों चीजें होती हैं जब एनजियोस्प में ठीक है जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, है, है। जिम्नोस्पर्म में, में, में सिर्फ एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं और सीव सेल्स होते हैं सिर्फ ये प्रेजेंट होते हैं ठीक है उसमें जो सीव ट्यूब होती है और कंपेनियन सेल्स होते हैं ना वो एबसेंट होते हैं क्या होते हैं एबसेंट होते हैं ओके सो दिस इज नॉट प्रेजेंट जो सीव ट्यूब होती है बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक है जो एसोसिएटेड होता है कंपेनियन सेल्स के साथ फाइन सो इज द रोंग वन करेक्ट आंसर फाइन चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट है विच अमंग इन करेक्ट अबाउट द एपिडमल टिश्यू सिस्टम ठीक है अब देखिए अभी तक आप सिर्फ सिस्टम पढ़ते आ रहे थे अपने टिश्यू के बारे में पढ़ा ठीक है अब तीन तरह के सिस्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं तीन तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं ठीक है एक तुम्हारा होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है ठीक है टिश्यू सिस्टम भी तीन तरह के होते हैं एक होता है एपिडर्मल, एक होता है तुम्हारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ठीक है और एक होता है तुम्हारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम ठीक है जब हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें लेट्स सी उसमें क्या बोला गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड स्टॉप टू मच लॉस ऑफ द वाटर एंड कंप्राइजेस ऑफ एपिडर्मिस टमाटा एंड एपिडमल एपेंडिज ठीक है नेक्स्ट बोल रहे हैं सिंगल कंटिन्यू लेफ कम्पैक्टली अरेजाइटस सेल्स दैट प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन आर प्रेजेंट इन एपिडर्मस ओके थर्ड इज क्यूटिकल प्रोवाइड वाटर प्रूफ नेचर फॉर लीव एंड स्टेम्स एंड टोमेटा रेगुलेट्स एक्सचेंज ऑफ एयर एंड वॉटर ओके नेक्स्ट टोमेटा आर सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ किडनी शेप्ड सेल्स called guard cells and inner walls of stomata are comparatively thinner than that of the outer walls theek hai char sentences tumhe diye hue hain you need to tell me which one is the correct one theek hai firstly wo kya bol raha hai epidermal tissue ki baat aa rahi hai theek hai अगर मैं तुम्हें epidermal tissue की एक diagram हो तो अगर आप diagram देखोगे ना उसकी ऐसे ring-like होती है ठीक है अब उसमें जाइलम फाइलम ग्राउंड टिश्यू टिश्यू एपिडर्मल टिश्यू लेयर की बात करें एपिडर्मिस जो होती है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है क्या होती है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ठीक है अब ये क्या कंप्राइज करता है जो आ, ये कम्प्राइज करता है तुम्हारा एपिडर्मल सेल्स होते हैं इसके पास ठीक है इसके पास, पास टोमेटो होता है इसके पास एपिडर्मल अपेंडिजिस होते हैं ठीक है एज ट्राइकॉम्स या हेयर जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है ठीक है ये पता चल गया अब ये कॉन्टिन्यूस लेयर में कंपेक्टली अरेंज किए जाते हैं मतलब ये बहुत पास 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 प्रेजेंट होते हैं ठीक है और मोस्टली सिंगल लेयरड ही होते हैं एक ये चीज पता चल गई ठीक है एंड जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो क्या होते, है? होते हैं पेरेंट का माइटस होते हैं क्या होते, है? होते हैं पेरेंट का माइटस होते हैं और इसमें साइटोप्लाज्म की भी लाइनिंग होती है फाइन फिर जो तुम्हारी ये जो लेयर होती है बेसिकली जो ये तुम्हारी एपिडर्मल लेयर है ये क्यूटिकल से कवर होती है किससे कवर होती है क्यूटिकल से कवर होती है फिर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है जो एपिडर्मिस के अंदर टेक प्लेस करता है ठीक है फिर एपिडर्मल हेयर्स की बात की ओके जो इनकी रूट से निकलते हैं बेसिकली जो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल ठीक है तो अब जब हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की प्रोवाइड करते हैं तो हमने क्या कहा ये प्रोटेक्ट करता है और स्टॉप टू मच लॉस ऑफ वाटर एंड कॉम्प्रोमाइज कम्प्राइज ऑफ एपिडर्मिस टोमेट एंड एपिडोमल अपिजिस ये अभी अभी पढ़ा दिस इज ट्रू नेक्स्ट एक सिंगल कॉन्टीन्यूस लेयर होती है ऑफ़ द मतलब इसमें पेनकाइटस सेल्स होते हैं एंड दे प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन दैट आर प्रेजेंट इन एमिडर्मिस दैट इज ट्रू

अब इसमें क्या होता है जो आउटर वॉल होती है ना जो आउटर वॉल होती है ठीक है ऑफ द गार्ड सेल्स वो क्या होते हैं थिन होते हैं ठीक है जबकि जो तुम्हारी इनर वॉल होती है ना इनर वॉल वो क्या होती है थिक होती है दैट इज पोर जो होता है ना तुम्हारा वो क्या होता है थिक होता है क्या होता है थिक होता है तो यहां पे जो तुम्हारी स्टेटमेंट है वो गलत दी गई है जो अंदर इनर वॉल है उस की वो थिनर नहीं होती है वो थिक होती है और उसको क्या बोलते हैं स्टोमैटल पोर कंपेरिटिवली बाहर की लेयर से सो डी इज द रोंग वन ओके कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली रिलेटेड टू किसके रिलेटेड होते हैं ए गार्ड सेल्स बी ट्राइकोम सी वेसल एलिमेंट्स और डी सी एलिमेंट्स जो तुम्हारे कंपेनियन सेल्स हैं, है ना वो किसके क्लोज होते हैं अभी हमने पढ़ा है ये हमने फाइलम में पढ़ा है जो कंपेनियन सेल्स है, होते हैं okay? so, होते है, वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं टू योर गार्ड सेल्स ओके सॉरी सो कंपेनियन जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली किससे रिलेटेड होते हैं टू योर सीव एलिमेंट्स फाइन नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एनाटमी ऑफ डाइकॉट रूट ठीक है अब हमने टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ लिया टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया उसके पार्ट्स सब कुछ पढ़ लिए ठीक है अब हम पढ़ेंगे डायकॉट प्लांट के बारे में ठीक है तो डाइकॉट प्लांट में क्या आता है तुम्हारे स्टेम आएंगे तुम्हारी रूट्स आएंगी तुम्हारी लीफ आएगा ठीक है उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे लेट्स मूव ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है Which among the following is incorrect about the anatomy of the dicot root? Dicot root ki anatomy. Ki bar mein ho hai, so let's move on to that. Uh, the layer just inside the endodermis in a dicot root is called as pericycle. The portion between endodermis and epidermis is covered by parenchymal cells. Secondary growth initiates from the cell of pericycle. Pith in a dicot root quite, is quite larger than that of the monocot root. ठीक है अभी हम मोनोकॉट और डाइकोट प्लांट्स के बारे में शुरू करें सबसे पहले हम डाइकॉट के बारे में पढ़ेंगे और अभी हम पढ़ रहे हैं डाइकोट रूट के बारे में ठीक है अगर आप उसमें देखते भी हैं है ना तो जो हमारा डाइकोट होता है ठीक है उसकी सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए डाइकोट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एपिब्लेमा ठीक है जी फिर उसके बाद आता है कॉटेक्स की लेयर आती है ठीक है कॉटिक्स की लेयर आती है जो बेसिकली सेवरल लेयर्स होती हैं किसकी पेरेंकाइमल सेल्स की ठीक है और ये क्या काम करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड मटेरियल वगैरह को आउटर आ गई कॉटिक्स आ गई फिर उसके बाद आती है तुम्हारी एंडोडर्मिस क्या आती है एंडोडर्मिस जो में होता है वो इनमोस्ट लेयर होती है कॉटिक्स की ठीक है और इसमें सिंगल लेयर होते हैं और इसमें कोई भी सेलुलर स्पेसेस नहीं होती है फाइन इसमें क्या होती है कैस्परियन स्ट्रिप्स होती हैं, क्या होता है जो एंडोमस लेयर होती है उसमें क्या होता है कैस्पीरियन स्ट्रिप्स होती हैं जो पानी को अंदर या बाहर जाने देती हैं ठीक है ठीके? उसके बाद आती है तुम्हारी पेरिसाइकल जो पेरिसाइकल होती है थिक वॉल्ड पेरनकाइमल सेल होती है ये नेक्स्ट होती है टू एंडोडर्मिस ठीक है ये क्या होती है थिक वॉल्ड होती है विथ पेरनकामाइटस सेल्स इसमें भी पेरनकाइमा के सेल्स ही होते हैं ठीक है थीके? और ये इनिशिएट करती है लेटरल रूट्स बनाना ठीक है और तुम्हारी बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है जो पेरिसाइकल होता है ठीक है लास्ट जो पिथ है वो सेंटर ऑफ द रूट होता है जो पिथ है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रूट होता है ओके okay? और ये क्या करता है ये फूड मटेरियल स्टोर करता है और मकैनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फाइन सो दिस इज द थिंग फॉर द डाइकॉट रूट्स आप देख लेते हैं कि क्या है द लेयर जस्ट इनसाइड द एंडोडर्मिस इन अ डाइकॉट रूट इज कॉल्ड एज ए पेरिसाइकल ठीक है ऑब्वियसली जो डाइकॉट रूट की अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं पेरिसाइकल बोलते हैं पोर्शन बिटवीन जो एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस होता है उसमें क्या होते हैं सिर्फ पेरनकाइमल सेल्स होते हैं ये भी ट्रू है सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएटेड फ्रॉम द पेरिसाइकल हाँ जी जो पेरिसाइकल होता है थिक वॉल पेरनकाइमल सेल है यही इनिशिएट करती है बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ पिथ पिथ इन अ डायकॉट रूट इज क्वाइट लार्जर देन दैट ऑफ द मोनोकॉट रूट जो पिथ होता है बेसिकली पिथ क्या है एक सेंटर ऑफ रूट में लोकेटेड होता है और ये पेनकमाइटिस सेल्स होते बेसिकली ये फूड मटेरियल यहां पे स्टोर किया जाता है ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है डाइकॉट में ठीक है मोनोकॉट में ये बहुत लार्ज होता है सो so ये सेंटेंस गलत है डी वन ओके अब डाइकोट स्टेम की बात कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट इज अबाउट द डाइकॉट स्टेम तो इज कवर्ड थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल ओके नाउ दिस यू नीड टू रिमेंबर ठीक है ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा ऐसे याद नहीं होगा सिंपल एज दैट ठीक है अब तुम्हारा आ गया डाइकॉटिलेडनेस स्टेम है पहले यहाँ से इसकी पिक्चर uh, देख लो ठीक है अब ये जो टिपिकल ये जो स्टेम होती है इसमें जो एपिडर्मिस होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है ठीक है देखते जाओ और यहीं से तुम्हें क्लियर हो जाएगा ठीक है इसमें क्या होता है इस एपिडर्मिस लेयर में क्या होता है क्यूटिकल होता है तुम्हारा ठीक है तुम्हारा ट्राइकोम्स होते हैं फाइन स्टोमेटो होता है ओके फिर जो कॉटिक्स पार्ट है ना उस कॉटिक्स पार्ट में तुम्हारी तीन लेयर्स आती हैं हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस ये क्या है तुम्हारा कॉटिक्स पार्ट ठीक है इसमें तीन लेयर होती हैं हाइपोडर्मिस पेरनकाइमो और दिस जो हाइपोडर्मिस होती है वो आउटर लेयर है दिख रहा है आउटर लेयर है ठीक है इसमें कॉलन कमाइटस सेल्स सेल होते हैं कौन से सेल्स होते हैं कॉलन कमाइटस उसमें क्या थे पेरेंट सेल्स थे ठीक है और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है ठीक है फिर आ, उसमें नेक्स्ट तुम्हारी आऊगी इनर लेयर मोस्ट लेयर जो होती है वो एंडोडर्मिस की होती है बीच में पेनकमाइटस सेल्स की लेयर भी प्रेजेंट होती है ठीक है जो तुम्हारी ये एंडोडर्मिस की लेयर होती है ना ठीक है ये क्या होती है रिच होती है किसमें स्टार्च ग्रेन में किसमें रिच किस होती है स्टार्च ग्रेन में ठीक है और इसको क्या बोलते हैं स्टार शीत कहते हैं क्या बोलते हैं स्टार शीत भी कहा जाता है और जो तुम्हारा पेरिसाइकल है वो किसकी बनी होती है स्क्लेरन काइमा की किसकी बनी होती है स्क्लेरन काइमा की बनी होती है ओके दिस इज अ थिंग यू नीड टू रिमेम्बर स्ट्रक्चर पता चल गया ना ठीक है नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन तो क्वेश्चन कह रहे हैं डाइकॉट स्टेम के बारे में एपिडर्मस इज कवर्ड थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल एंड बियर्स टोमैट एंड ट्राइकोम्स अभी पढ़ा हाइपोडमिसनकाम सेल्स एंड प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस ये भी पड़ा कॉटक इज मेड अपर विदिशियल स्पेशस ये भी पड़ा एंडोडर्मसो आर ऑल्सो कॉल्ड एज वैक्स एज दे आर रिच इन वैक्सी मटीरियल नो इनको क्या बोला जाता है स्टार्च शीत बोला जाता है क्या बोला जाता है स्टार्च शीत अभी पढ़ा क्यों क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है इसमें प्रेजेंट होता है स्टार्च ग्रेन की लेयर फाइन सो डी इज द रोंग वन चले नेक्स्ट इन डाइकॉटिलेडनेस लीव वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय वैस्कुलर बंडल्स तुम्हारे सराउंडेड कैसे होते हैं बिफोर दैट लेट्स मूव टू द डायग्राम एंड लेट्स अंडरस्टैंड द डायटिलेडनेस लीव कैसी होती है ठीक है ट अ क्लियर पिक्चर अबाउट दैट एस वेल जो तुम्हारी डाइकनेंस लीफ होती है ठीक है अब इसमें मेनली थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं नेमली इसमें क्या होता है एक एपिडमिस होता है ठीक है एक मीजोफिल होता है फाइन और दूसरा होगा वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है ठीक है जो तुम्हारा लीफ होगा ठीक है अब एपिडामिस प्रेजेंट होता है बोर्थ साइड पे अपर और लोअर साइड पे ठीक है देन क्यूटिकल जो होगा प्रेजेंट होता है वो बोथ साइड्स पे फिर मीजोफिल जो होगा वो भी प्रेजेंट होता है अपर एंड लोअर इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है मीज़ोफिल होता है ठीक है और क्या प्रेजेंट है वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है एंड योर एपिडर्मिस फाइन इसी के बारे में हमने पढ़ा जो मीज़ो ये मीजोफिल सेल्स, सेल्स होते हैं ना ये क्या होते हैं बेसिकली पेरनकाइमल सेल्स होते हैं क्या होते हैं पेरनकाइमल सेल्स होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है ठीक है अब ये किसमें नेक्स्ट आ, आ गया ये पेलेसेड पेरनकाइमा और स्पॉन्जी पेरनकाइमा में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं ठीक है और जो तुम्हारा वैस्कुलर बंडल है वो किससे होता है बंडल शीथ जो तुम्हारी होती है उससे कवर होता है ओके okay? तो ये चीजें तीन चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए इसमें एपिडर्मिस लेयर होती है पेरेंकाइमल सेल की लेयर होती है और वैस्कुलर बंडल शीत प्रेजेंट होता है फाइन सो इन डाइकॉडिलेड लीव वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय जो वैस्कुलर बंडल्स है वो किससे सराउंडेड होते हैं ए बंडल शीत सेल्स बी एंडोडर्मिस सी एपिडर्मिस और डी हाइपोडर्मिस तो मैंने अभी बताया जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कहां पे होते हैं बेसिकली वो किससे कवर होते हैं दे आर कवर्ड विद योर बंडल छीट सेल्जोलनी ठीक है ना तो इससे कवर होते हैं ए सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड एज ए पिथ बी कॉटिक सी वैस्कुलर बंडल्स और डी ग्राउंड टिश्यूज ठीक है तो ये हमने अभी अभी ही पढ़ा है ठीक है पिथ के बारे में पढ़ा था ये जो होता है ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल प्लेस इन द स्टेम ठीक है तो सेंट्रल पोर्शन स्टेम के क्या बोला जाता है पित्त बोला जाता है ओके आई होप हमने अभी स्टेम में तीन चीजें पढ़ी थी हाइपोडोमिसटिक्स एंड लेयर्स पढ़ी हैं ना और ये स्टार शीत पड़ी थी तो पिथ जो होता है वो सेंटर प्लेस ऑक्यूपाई करता है स्टेम का ओके सो ए इज योर करेक्ट आंसर और जो पिथ जो होती है वो किसकी बड़ी होती है मोनोकॉट की ज्यादा बड़ी होती है कंपैरेटिवली डॉट की डायकॉट की स्मॉल होती है प्लांट्स की ओके okay? so a is your correct answer fine so we are finished with your uh, firstly the monocot and dicot leaves के बारे में तुम्हारा complete हो गया कल हम पढ़ेंगे about the monocot plants के बारे में पढ़ेंगे और तुम्हारी secondary growth के बारे में पढ़ेंगे ठीक है उस पर ही क्वेश्चन होंगे प्लीज कम प्रिपेयर विद इट एंड टुमोरो वी आर गोइंग टू कम्पलीट दिस चैप्टर ठीक है तुम्हारा इसका पार्ट टू होगा एंड वी आर कम्प्लीटिंग दिस इसके बाद इस यूनिट का सिर्फ लास्ट चैप्टर रह गया है एंड वी हैव कंप्लीटेड विद दिस यूनिट एज वेल ठीक है सो प्लीज कम प्रिपेयर्ड विद इट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ओके ओके हैव अ गुड डे टेक केयर बाय